हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मल्लिक, आपका दोस्त फ्रॉम द क्रिएटर बालेश्वर उड़ीसा। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कंप्यूटर में कैसे जीमेल क्रिएट करेंगे, कैसे जीमेल ओपन करेंगे, न्यू अकाउंट खोलेंगे और जीमेल से कैसे आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे। तो पहले मैं आपको कंप्यूटर में बताऊंगा, इसके बाद आपको मोबाइल में बताऊंगा आप कैसे यूट्यूब अकाउंट खोलेंगे, यूट्यूब चैनल खोलेंगे और कैसे आप जीमेल अकाउंट खोलेंगे। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे, ब्राउजर होगा उसको आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपका जीमेल पर जाना पड़ेगा आपको। देखिए पहले आपका जाना पड़ेगा, ये विंडो खुल गया, नेट खुल गया है। तो यहाँ आपको इनबॉक्स जो मेरा जीमेल अकाउंट है, अभी मेरा लॉगिन हुआ है इसलिए ये खुल गया है। तो यहाँ हम बताएंगे आपको कैसे न्यू अकाउंट जेनरेट करना है, न्यू अकाउंट ओपन करना है। देखिए यहाँ मेरा दो अकाउंट जो है अभी शो कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जो जेन अकाउंट हम अभी क्या हमारा अकाउंट नहीं है तो इसलिए हम ऐड अकाउंट में क्लिक करेंगे। मैं क्लिक किया हूँ ऐड अकाउंट। देखिए अभी क्या है, जो मेरा अकाउंट बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है इसलिए मेरा अकाउंट शो कर रहा है, लेकिन हमें क्रिएट अकाउंट को जाना पड़ेगा। हम जाएंगे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट को जाने के बाद मैसेज आ गया है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट टू कंटिन्यू टू जीमेल। जीमेल चलाने के लिए आपको एक अकाउंट का जरूरत है, मैं मेरा नाम दे देता हूँ, मेरा लास्ट नेम, ठीक है। अभी क्या है, अभी यूजर नेम देना पड़ेगा। यूजर नेम क्रिएटर डॉट bls क्रिएटर bls डॉट 2020। देखिए ये जो मेरा नाम दे दिया हूँ इसको आप वेरीफाई करना पड़ेगा जी, ये अवेलेबल है कि नहीं। मैं लिख दिया हूँ क्रिएटर bls डॉट 2020। आप जब जीमेल आईडी का आईडी ओपन करेंगे, जो नाम आप देना चाहेंगे अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो इसके बदले में आप वहाँ डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर, अभी और कुछ भी आप वहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ अवेलेबल लिख रहा है कि चैनल क्रिएटर 80 सीसी 36 10 192, CTR CRTR चैनल। तो हमें अभी अवेलेबल है कि नहीं हम देख लेते हैं, वहाँ क्लिक करने के बाद ये अवेलेबल है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। अभी शायद अवेलेबल है तो इसलिए हमें यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड कुछ भी आप जो आप याद कर सकते हैं, आप आपका मोबाइल नंबर या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर कुछ भी रख सकते हैं। मैं एक यहाँ दे देता हूँ, मैं दे दिया हूँ। इसके बाद इसको कन्फर्म करना पड़ेगा। देखिए आप चाहें तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप जो लिखे हैं सही लिखे हैं कि नहीं। मैं यहाँ अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप जो पासवर्ड दिए हैं आपको पता चल जाएगा ये सही कि नहीं। आप पासवर्ड में जो डालेंगे कन्फर्म में वही डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा क्रिएटर bls.2020@gmail.com, ये होगा आपका मेल आईडी, ठीक है। तो इसलिए पासवर्ड सेट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट जाना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ एक आपका फोन नंबर देना पड़ेगा, आप फोन नंबर दे सकते हैं, मैं दे दिया हूँ 8291729। मैं यहाँ मेरा फोन नंबर दे दिया हूँ। देखिए यहाँ वी विल यूज टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, यहाँ आपको एक रिकवरी ईमेल देना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन देने से आप अगर कहाँ प्रॉब्लम होता है जीमेल में आप सब डाटा वहाँ रिकवरी कर सकते हैं, आपका मेल आईडी रिकवरी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पुराना ईमेल होगा तो यहाँ आप दे सकते हैं।
आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, मैं मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। इसके बाद अब जेंडर चूज करना पड़ेगा, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे। देखिए ये यहाँ देखिए ऊपर जो लिखा है सेव पासवर्ड, आप वहाँ पासवर्ड नेवर कर देंगे या सेव करने से आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। जब वहाँ ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ नेवर करता हूँ। इसके बाद ये बोल रहा है कि वेरीफाई योर फोन नंबर, आप जो फोन नंबर दिए हैं ये वेरीफाई करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो सेंट आपके एक ओटीपी आएगा, इसके लिए आप सेंट यहाँ ये करना पड़ेगा, सेंट क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नॉट नाउ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नॉट नाउ करता हूँ। ये प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन है जीमेल का, आप एग्री करेंगे। देखिए अभी प्रोसेस हो गया है, देखिए हमारा जीमेल अकाउंट अभी खुल रहा है। जब पहला खोलेगा थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज जो बाद में आप खोलेंगे तो तुरंत ये खुल जाएगा। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद ये तुरंत खुल जाएगा। देखिए मेरा अभी जीमेल अकाउंट खुल गया है, यहाँ मैसेज आ गया है ईमेल बाय गूगल सिंपल स्मार्ट एंड सिक्योर। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये मेरा जीमेल अकाउंट खुल गया है। अब जीमेल अकाउंट देखिए ये सब है इनबॉक्स में क्या क्या है, क्या है ये है से। देखिए अभी ये जो लोगो लिखा है आर, आपका नाम का पहला लेटर यहाँ आएगा। देखिए इसके नीचे आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो creatorbls.2020@gmail.com, ये मेरा अकाउंट अभी खुल गया है। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में आप कैसे आपका जीमेल अकाउंट खोलेंगे। मैं पहले बता दिया हूँ आपका कंप्यूटर में कैसे आपका जीमेल अकाउंट खोलेंगे, अभी हम मोबाइल में कैसे आपका जीमेल अकाउंट खोलेंगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, यूट्यूब चैनल जनरेट करने के लिए आपका ईमेल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जीमेल के बगैर आप खोल नहीं सकते। तो आपका ईमेल होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका जीमेल अकाउंट कैसे खोलेंगे। इसलिए देखिए मेरा जो चैनल है, मेरा जो कंप्यूटर मोबाइल का स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ये जो जीमेल का जो आइकन है यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो मेरा लोगो है यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जितना सारा मेरा मेल आईडी है यहाँ शो कर रहा है, आप वहाँ क्या करेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देखिए ऐड अदर अनदर अकाउंट नीचे आ जाएगा, लिख रहा है ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपको क्लिक करने के बाद आप जाएंगे गूगल में, गूगल में जाने के बाद देखिए अभी देखिए मेरा जो पासवर्ड है वहाँ देना पड़ेगा, मैं पासवर्ड दे दिया हूँ, मेरा जो फ़ोन का लॉक का पासवर्ड है मैंने दे दिया हूँ। इसलिए यहाँ क्या करना है, यहाँ एक अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए साइन इन बता रहा है, हम साइन इन नहीं करेंगे, हम क्रिएट अकाउंट करेंगे, हमारे पास अकाउंट नहीं है तो इसलिए हम क्रिएट अकाउंट। नीचे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसके लिए आ रहा है फॉर माई सेल्फ फॉर मैनेज माई बिजनेस, मैं क्लिक करूँगा फॉर माई सेल्फ। क्लिक करने के बाद मेरा नाम पूछ रहा है, मेरा नाम रतिकांत मल्लिक में लिख रहा हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अपना जो आपका नाम है आप दे देंगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, डेट 1975। इसके बाद जेंडर चूज करना पड़ेगा, इसके बाद नेक्स्ट। देखिए अभी ये जो आपका मोबाइल में आपका देना पड़ेगा एक मेल आईडी, कैसे आप जो भी आपका जो भी मेल आईडी आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरा कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर। डेट जैसे आपका अभी जो मेन ईयर चल रहा है 2020 या 2019 या आपका डेट ऑफ ईयर, जो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं अभी एक जीमेल अकाउंट खोलता हूँ, मान लीजिए ये सब छोटा होना चाहिए लेटर, रतिकांत डॉट सॉरी रतिकांत BLS.2020।
देखिए, आप भी आपका नाम या आपका टाइटल जो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। आपका शो करेगा, दो चार ऑप्शन आपको शो करेगा, और सब ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो देखिए रतिकांत BLS.2020 ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ ये जो BLS है, मैं यहाँ बालेश्वर लिख दूंगा, हरी, इसके बाद .2020। इसके बाद देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। देखिए अभी अवेलेबल हो गया है, मेरा रतिकांत बालेश्वर .2020 अवेलेबल है, नहीं तो आप चेंज करते रहिएगा जब तक आपका सही नहीं हो जाता। इसलिए हम पासवर्ड सेट करेंगे, मैं पासवर्ड दे दिया हूँ, ऊपर जो दीजिएगा नीचे वही कन्फर्म है वही डालिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाने के बाद यस आई एम इन यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो हो आई एग्री करना पड़ेगा। देखिए ये सेव पासवर्ड बता रहा है, मैं नो थैंक्स करूँगा, नहीं तो आप सेव भी कर सकते हैं, नो थैंक्स कर दिया हूँ। देखिए अभी मेरा ये अकाउंट खुल गया है, जीमेल अकाउंट मोबाइल पे। अगर आप किस चीज़ का ज़रूरत है और अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।